जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास। सो यार देखो, जो क्लास 12th की अकाउंट्स का सिलेबस है वो हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल में शुरू किया था, है ना, स्टार्टिंग से शुरू किया था, डिटेल्ड में कवर कर लिया, वन शॉट कर लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, मॉक टेस्ट अभी हमारे चल रहे हैं, MCQs चल रहे हैं, तो वो सब हमारे चल रहे हैं। अब तो रिविजन फेज चल रहा है। लेकिन जिन बच्चों ने ये चैनल ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन किया है या बाद में ज्वाइन किया है, उनको बाद में पता चला है, तो उनके कुछ कमेंट्स आ रखे हैं, उनके कुछ रिक्वेस्ट आ रखे हैं कि सर इस बार जो है ना क्लास 12th के सिलेबस में कुछ चेंजेस हैं, है ना, कुछ चैप्टर्स में छोटे 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 चेंजेस हैं, क्या आप उन सारे चेंजेस को एक वीडियो में कंपाइल करके बता सकते हो। वैसे जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा पूरा सिलेबस यूट्यूब से कवर किया है, उनको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियोस में बता चुका हूँ। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जब हमने डिसोल्यूशन किया था तो डिसोल्यूशन में जो चेंज है वो मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था, यस और नो, राइट। इनफैक्ट हमने मॉक टेस्ट में भी उसका एक क्वेश्चन किया है। तो जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं, जिन्होंने मेरी पूरी डिटेल्ड वीडियोज देखी है, उनको ये वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। लेकिन जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन किया है उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है, तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे कि जो आपके इस बार CBSE ने कुछ चेंजेस करें, जिन जिन चैप्टर्स में करें। अगर मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की, देर इज नो चेंज। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं है, नहीं, पूरा का पूरा आपका आ रहा है। गुडविल में कोई चेंज नहीं है, राइट। जो गुडविल आपका चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, राइट, इनमें, और आपका चेंज इन PSR, इनमें एक छोटा सा चेंज है जो कि आपका है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें एक आपका छोटा सा चेंज है प्रीवियस ईयर के, मैं आपको कंपैरिजन में बता रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हाँ जी सर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या चेंज हो सकता है? अब आप सबको पता है कि जो भी आपने ये चैप्टर्स पढ़े हैं, कौन से, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इनमें जो गुडविल का बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी पार्टनर गेन कर रहा होगा, सर क्या कर रहा होगा, जो भी पार्टनर आपका गेन कर रहा होगा, विच इज गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो वो क्या करता है, वो सैक्रीफाइजिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट करता है। हमने पूरे के पूरे साल यही पढ़ा है कि गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है टू आपका सैक्रीफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सर यही पढ़ा है। अच्छा ठीक है, अब इसमें आपके पास एक मेथड और आ गया है, मतलब गुडविल को रिकॉर्ड करने का, गुडविल की एडजस्टमेंट करने का एक मेथड और आ गया है, और उस मेथड का नाम मेरे दोस्त क्या है, राइटिंग ऑफ, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। क्या नाम है? रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, बिल्कुल सही, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, एब्सोल्यूटली करेक्ट। अब इस मेथड में क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। ये मेथड पिछले साल नहीं था, आई गेस उससे पिछले साल भी नहीं था, दो साल नहीं था, अब इस साल इन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस किया है, तो एक बार आपको फटाफट से समझा देता हूँ, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले रेजिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? रेजिंग का मतलब होता है गुडविल को रिकॉर्ड करना। रेजिंग का मतलब क्या होता है सर? कि मुझे गुडविल को रिकॉर्ड करना है, हाँ। और राइटिंग ऑफ का मतलब क्या होता है सर? उसको क्लोज कर देना है, हाँ। सर ये क्या बात हुई? हाँ वही तो बात है, ठीक है, कि ये जो मेथड है वो क्या बोलता है कि पहले आप गुडविल को रिकॉर्ड करो और फिर उसको राइट ऑफ कर दो। ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जो नेट इफेक्ट होगा वो हमेशा यही आने वाला है। तो सर ये नया मेथड क्यों आया है? बेटा ये आपको CBSE से पूछना पड़ेगा, राइट, ठीक है। ये मेथड पहले भी था, ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से इंट्रोड्यूस हो गया इसी साल, नहीं, पहले भी था, लेकिन पिछले दो साल से कटा हुआ था, लेकिन इस साल इन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, लेट्स से एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, रिटायरमेंट या डेथ या चेंज इन PSR एडमिशन, किसी का भी एग्जांपल ले लो, मान लेते हैं तीन पार्टनर्स हैं। ऑलराइट सर, कोई भी नाम ले लेते हैं अभी के लिए, जल्दी से समझने के लिए, ए बी और सी, ठीक है सर। इनकी रेशियो पहले कितनी, 3:2:1, 3:2:1, अच्छा ठीक है। और मान लेते हैं सर कि सी हो गया रिटायर, क्या हो गया, सी रिटायर हो गया, ऑलराइट, और आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है। सर किसके रिगार्डिंग? न्यू PSR के रिगार्डिंग। न्यू PSR कैसे निकालते हैं, आप सब बच्चों को ऑलरेडी आता है, ठीक है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको पता है कि सर न्यू PSR क्या हो जाएगी, न्यू PSR वुड बी 3:2, यस सर 3:2, और जब कुछ भी मेंशन नहीं होता, और यही आपकी क्या बन जाती है, यही आपकी गेनिंग रेशियो बन जाती है 3:2। जैसे सर कुछ भी मेंशन नहीं होता, जो उनके बीच में पहले से रेशियो चल रही है वही रेशियो उनकी गेनिंग रेशियो भी होती है, ऑल राइट, ठीक है। मान लेते हैं सर आपको गुडविल दे रखी है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, हाँ जी आपको गुडविल ऑफ फर्म दे रखी है, कितनी, कुछ भी ले लो यार, मान लेते हैं 1,00,000 रुपीज, ऑल राइट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, मैं आपको दोनों मेथड से करवाता हूं, मान लेते हैं कि सर कोई नया मेथड नहीं है, वही पुराना वाला मेथड है, दैट इज गेनिंग टू सैक्रीफाइसिंग, अच्छा ठीक है। यहाँ पे सैक्रीफाइस कौन कर रहा है सर? यहाँ पे सैक्रीफाइस कर रहा है सी, तो सी का कैपिटल अकाउंट आपने क्या कर दिया, क्रेडिट, हाँ जी, कितने से, देखो सिंपल है,
1 लाख रुपए की गुडविल है। अच्छा, सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? जितना उसका शेयर था वो बेचारा उतना पूरा का पूरा शेयर छोड़ के जा रहा है। हाँ सर, बिल्कुल जा रहा है। तो 1/6। हाँ, अरे ये तो पॉइंट्स में आ जाएगा। मान लो इसको 120 कर लो। अरे क्यों ही कॉम्प्लिकेट करना है ना सर, कितना कर लो? 120 कर लो। ऑल राइट, सो 1,20,000, हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 1/6, कितना हो जाएगा सर? 20,000। कितना आ गया? 20,000। हाँ, तो इसका मतलब सी को 20,000 रुपीज मिलने चाहिए अगर मैं उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ। मतलब 20,000 मिलने चाहिए। कौन देगा? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं। आपने पूरे साल यही पढ़ा है कि ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। हाँ सर। बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। बिल्कुल। कितने से? भाई जो भी इनकी गेनिंग रेशियो है, किस रेशियो में गेन कर रहे हैं? 3:2 में। तो इसका मतलब ए और बी 3:2 में कॉम्पेंसेट करेंगे किसको सर? सी को। अगर आप 3:2 में इसको निकालोगे तो आई गेस ये आएगा 12 और 8, है ना? 5, 4, 4, हाँ 12 और 8, हाँ जी बिल्कुल। तो ये मेथड आपने पढ़ा हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो नया मेथड है वो क्या बोलता है, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। जो रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ है, तो सबसे पहले बोलता है कि गुडविल को रेज करो। सर क्या करो? गुडविल को रेज करो। रेज का मतलब होता है गुडविल को रिकॉर्ड करो। नाउ व्हेन आई एम सेइंग गुडविल को रिकॉर्ड करो, उसका मतलब क्या है सर? गुडविल को रिकॉर्ड करने का मतलब है गुडविल का अकाउंट ओपन करना। सर गुडविल का अकाउंट कैसे ओपन करेंगे? देखो गुडविल एक क्या है? गुडविल एक एसेट है। कौन सा? इनटैंजिबल। जब भी मुझे उसको रिकॉर्ड करना होगा तो क्या होगा? डेबिट। यस, एसेट को रिकॉर्ड करना मतलब डेबिट करना। हाँ, तो आपने क्या किया? गुडविल को रेस किया। कितने से? गुडविल कितने की है? 1 लाख रुपए की। ओ, इसको बोलते हैं गुडविल को रेस करना। अब क्रेडिट में क्या आएगा? देखो अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो भाई एक तरीके से फर्म के लिए फायदे की बात है ना सर। एसेट जब भी इंक्रीज होता है फायदे की बात ही होती है। हाँ, और ये बेनिफिट किसको मिलता है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, टू आपका ए कैपिटल, टू बी क्या सारे कैपिटल? हाँ जी बिल्कुल, अभी समझा रहा हूँ। टू ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। विच मीन्स सर, विच मीन्स जब भी मुझे रेस करना है सर, मुझे सारे ही पार्टनर्स में रेस करना है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। हाँ जी बिल्कुल सही। कि सर अगर मैं गुडविल को रेज कर रहा हूँ, मैं अपने गुडविल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई ये गुडविल जो है ये बनाई तो सारे पार्टनर्स ने, है ना? हाँ सर बिल्कुल बनाई है। राइट, तो सारे पार्टनर्स में रेज होगी। हाँ, और पुरानी पार्टनर्स पुरानी रेशियो, दैट इज 3:2:1। हाँ जी, अगर इसको 3:2:1 करेंगे, सॉरी 1,20,000, माई मिस्टेक, मैंने 1 लाख लिख दिया सर। कितना? 1,20,000। हाँ, तो 1,20,000 तीनों पार्टनर्स में आपके क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड हो जाएगी। तो 1,20,000 3:2:1 में, 1,20,000 3:2:1 में, तो ये कितना आएगा? 6,20, 30, 60। ऑल राइट, ठीक है। हाँ जी, 2, 2, 4, हाँ जी, और 20, यही आएगा ना भाई? बिल्कुल सही। तो 6, 60, 40 और 20, ये आपने क्या किया दोस्त? ये आपने गुडविल को रेस कर दिया, मतलब एक तरीके से बुक्स में गुडविल को रिकॉर्ड कर दिया। हाँ, अब मेरी बात सुनो, आपको ये पता है कि ये वैसे एक तरीके से गलत है। क्यों सर? हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 पढ़ा है हमने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या बोल रहा था? कि भाई हम बिजनेस में गुडविल कौन से रिकॉर्ड कर सकते हैं? सिर्फ परचेज्ड गुडविल रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं अपने बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल दिखा सकता हूँ? सर सिर्फ परचेज्ड गुडविल। मुझे बताओ ये 1,20,000 क्या परचेज गुडविल है? ना 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 सर, परचेज गुडविल तो नहीं है, ये तो आपकी सेल्फ जनरेटेड है। हाँ, इसीलिए इसीलिए इसको मुझे क्या करना होगा? राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ का मतलब मैंने आपको क्या बोला? अकाउंट को क्लोज कर देना। क्या कर देना? क्लोज कर देना। हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा, नेट इफेक्ट सेम है। ठीक है, नेट इफेक्ट सेम है, कोई फायदा नहीं है इस अलग से मेथड का, बस आपके सिलेबस में दे दिया है तो आपको पढ़ाना तो जरूरी है। सर राइट ऑफ कैसे करते हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एसेट को रिकॉर्ड करते हो तो डेबिट करते हो। सर जब मैं क्लोज करूंगा, राइट ऑफ करूंगा, तो इसका मतलब गुडविल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। यस सर, तो गुडविल आपने करा क्रेडिट। कितने से? 1,20,000 से आपने गुडविल को राइट ऑफ किया। अब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सर जब मैं राइट ऑफ करूंगा, क्या करूंगा? राइट ऑफ, तो ये हमेशा किस में होगा? न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। किस में होगा? न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। अभी देखना इसका इफेक्ट एग्जैक्ट सेम आएगा। न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो, हाँ गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, बिल्कुल राइट ऑफ कर रहे हैं, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। अब न्यू पार्टनर्स कौन कौन से हैं? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी तो चला गया। हाँ सर, सी तो चला गया। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बिल्कुल सही, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सर अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, सर किसमें? न्यू रेशियो में। सर किसमें? न्यू रेशियो में। हाँ जी, न्यू रेशियो में। बात समझ में आ रही है सर? देखो पहली बात, पुरानी रेशियो में तो हो ही नहीं सकता। पुरानी रेशियो में तो तब हो सकता है जब सारे पार्टनर्स होंगे पुराने पार्टनर्स। नए पार्टनर्स में कर रहे हो तो नई रेशियो में करोगे। हाँ, और इनकी नई रेशियो क्या आती है सर? 3:2। तो इसका मतलब 1,20,000 में राइट ऑफ करूंगा। हाँ जी बिल्कुल राइट ऑफ करूंगा। और किस में करूंगा? 3:2 में, क्योंकि वो नई रेशियो है। तो 1,20,000 / 5 ये आ गया 72 और 48।
72 और 48। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है सर, जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा, देखो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आपको हमेशा यही वाला मेथड करना है, गेन इन टू सेक्रीफाइसिंग। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया, क्या मेंशन कर दिया गया कि भाई सुनिए आपको अब रेज एंड राइट ऑफ करना है, तो बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। रेज करना मतलब गुडविल को रिकॉर्ड करना, तो रेज करेंगे पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो, रिटायरमेंट हो डेथ हो एडमिशन हो चेंज इन पीएसआर हो सब में सेम है, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। हाँ, और जब राइट ऑफ करना होगा तो राइट ऑफ कैसे करेंगे, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशियो। बात समझ में आती है? अच्छा ठीक है, अब इसका अगर मैं इफेक्ट आपको दिखाऊं तो इफेक्ट सेम आने वाला है। अगर मैं ए की बात करता हूँ, हाँ, तो ए को आपने क्या किया सर, पहले करा क्रेडिट कितने से, 60,000 से, सही बात है। फिर आपने करा डेबिट सर कितने से, देखो 72,000 से। हाँ, तो अगर ए का नेट इफेक्ट देखेंगे दोस्तों, देखो क्या इसमें 12,000 डेबिट नेट इफेक्ट आ रहा है। हाँ यार, आपने उसके अकाउंट में 60,000 डाल दिए, किसमें, क्रेडिट साइड पे, आपके आपने उसके अकाउंट में डेबिट में डाल दिए 72, तो नेट कितना है सर, नेट 12,000 डेबिट। हाँ सिमिलरली सिमिलरली अगर मैं किसका देखूंगा, बी का देखूंगा, अगर मैं बी का देखता हूँ तो बी को आपने किया क्रेडिट जब आपने रेस किया तो कितना किया, 40,000, करेक्ट है। जब आपने राइट ऑफ किया डेबिट किया कितने से, 48,000 से, क्या आपको दिख रहा है कि 8,000 डेबिट कितना सर, 8,000 डेबिट, ये क्या है आपका नेट इफेक्ट है, बोलो हाँ या ना सर। 40,000 क्रेडिट आ रहा है, 48 डेबिट आ रहा है, तो इसका मतलब नेट इफेक्ट कितना है, नेट इफेक्ट क्या आ रहा है सर, 8,000 डेबिट। और अगर हम बात करेंगे दो सी की, तो सी में तो आपने क्या किया, क्रेडिट किया 20 से, डेबिट तो कुछ है ही नहीं। हाँ सर डेबिट तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या, सी का काउंट हो रहा है क्रेडिट 20,000 से। देखो देखो पुराना वाला मेथड देखो, क्या सी का अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। अगर बी का अकाउंट देख रहे हैं तो 8,000 से डेबिट, क्या बी का अकाउंट 8,000 से डेबिट हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। और ए का अकाउंट 12,000 से डेबिट क्या हो रहा है, हाँ जी बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब सर नेट इफेक्ट सेम आएगा, ऑफकोर्स ट्रीटमेंट सेम है, राइट, ठीक है, बस मेथड अलग है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका एक छोटा सा चेंज था, मैंने पहले वाली वीडियोस में करवा रखा है, लेकिन ऑफकोर्स ठीक है एक वीडियो में मैं सारे चीज आपको करवा देता हूँ, ताकि इन केस अगर कोई न्यू स्टूडेंट है या जो सिर्फ वन शॉट देख रहा है उसके लिए ये काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये तो बात आ गई सर हमारी पार्टनरशिप में, ठीक है, गुडविल की। अब कोई और चेंज है? हाँ, पार्टनरशिप में एक चेंज और है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, डिसोल्यूशन का, और ये मैंने अपने वीडियोस में आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है, एक बार फटाफट से मैं आपको दोबारा बता देता हूं। तो डिसोल्यूशन में दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहले अगर मैं अभी पास्ट सिनेरियो की बात बताऊं, मतलब जो पहले चल रहा था, पहले क्या चल रहा था, लाइबिलिटीज और एसेट दोनों का अलग अलग एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ, लाइबिलिटीज और एसेट्स, हाँ जी इनका अलग अलग डिस्कस कर लेता हूँ, तो मेरी बात सुनेंगे। अगर मैं बात करता हूँ लाइबिलिटीज की, हाँ, तो आपकी कौन सी लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज, अच्छा ठीक है, ये तो जो आपका ट्रीटमेंट है ये पहले भी था, क्या ट्रीटमेंट था, अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेके कोई भी आपको इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, इफ नथिंग इज मैंशनड, आउटसाइड लाइबिलिटीज को लेके इफ नथिंग इज मैंशनड, हाँ अगर कुछ भी मेंशन नहीं होता था तो आप क्या करते थे सर, हम ये मानते थे कि बिजनेस ने उसको पे कर दिया होगा, पार्टनरशिप फर्म ने उसको पे कर दिया होगा बुक वैल्यू पे, हाँ मतलब पेड एट बुक वैल्यू, हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, पेड एट बुक वैल्यू, विच मीन्स कि लेट्स से बैलेंस शीट में आपके क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस हैं, एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड है, ये सब क्या है, आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं। अगर इनके लिए क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि आपने क्रेडिटर्स को कितना पे किया, बिल्स पेबल को कितना पे किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कितना पे किया, या बाहर से लोन ले रखा है उसको कितना पे किया, तो हम क्या मान के चलेंगे कि भाई जो भी आपकी बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है उतना ही आपने पे करा होगा, हाँ राइट। और इसकी एंट्री क्या होती है सर, आप सबको पता होना चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, है ना सर, लाइबिलिटीज को पे करने की एंट्री, रियलाइजेशन टू बैंक, हाँ तो ये एंट्री हम करके चलेंगे बेशक क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, ये पहले भी था। जो चेंज आया है वो आया है एसेट्स में, किसमें सर, एसेट्स में, हाँ, और एसेट्स में मैं यहाँ पे क्लासिफाई कर रहा हूँ, एक तो आपका टैंजिबल एसेट, चलो पहले इनटैंजिबल एसेट, हाँ, और एक आपका टैंजिबल एसेट, है ना, कन्फ्यूजन इसी में है, इनटैंजिबल एसेट और आपका टैंजिबल एसेट्स, ऑलराइट, अच्छा ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दोस्त इनटैंजिबल और टैंजिबल की, तो पहले क्या था, पहले मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको किसी एसेट्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती थी, है ना, आपके बुक्स में भी, अगर आपके पास जो बुक्स है उसमें भी यही ट्रीटमेंट हो रखा है, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत बाद में अपडेट किया है, ठीक है, तो आपके पास वो अपडेटेड बुक्स नहीं है, क्या बोला सीबीएसई ने, ठीक है, पहले क्या था, पहले ये था कि अगर एसेट्स के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो बिका ही नहीं है सर, मतलब कोई एंट्री नहीं करनी होती सर। मान लो आपके बैलेंस शीट में क्या आ रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर ये सब चीज़ें आ रही है, गुडविल वगैरह आ रही है, पेटेंट्स ट्रेडमार्क ये सब कुछ चीज़ें आ रही हैं,
अगर इनमें से किसी एक आइटम के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो मुझे उसको कुछ नहीं करना है, मैं मान के चलूंगा वो बिका ही नहीं है। लेकिन इस बार उन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया, ध्यान से मेरी बात सुनो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनटैंजिबल एसेट की, तो इसमें कोई चेंज नहीं है सर। मतलब अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, इफ नथिंग इज मेंशन और आपको पता होना चाहिए इनटैंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है सर, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आपके क्या है, इनटैंजिबल एसेट है ना। तो इसको नॉर्मल एसेट्स की तरह सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करता हूँ। हाँ, और अगर क्वेश्चन में मेंशनड है कि हाँ आपने गुडविल बेची है, ट्रेडमार्क बेचा, कॉपीराइट, पेटेंट कुछ बेचा है तो ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है हाँ, तो मैं क्या मान के चलूंगा, नॉट रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, बिका ही नहीं। नॉट रियलाइज्ड, हाँ जी बिका ही नहीं है, इग्नोर मार देंगे। पहले भी ऐसा ही था, हाँ सर पहले भी ऐसा था। जो चेंज है दोस्त वो टैंजिबल एसेट्स में है। तो सबसे पहले टैंजिबल एसेट्स में क्या आते हैं आपके, फर्नीचर, प्लांट मशीनरी, राइट, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सब आपके क्या है, टैंजिबल एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस में काफी बच्चों को कंफ्यूजन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका टैंजिबल एसेट नहीं है, ठीक है। टैंजिबल मतलब जिसके कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, प्रीपेड एक्सपेंस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस थोड़ी होती है, राइट सर। टैंजिबल एसेट्स हाँ। अब इसके रिगार्डिंग आपको क्या बोला है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन, और ये पॉइंट मैंने अपने मॉक टेस्ट नंबर 2 में भी डाला था और उस टाइम काफी सारे बच्चों ने आंसर सही दिया था। इफ नथिंग इज मेंशनड, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कि भाई आपने बिल्डिंग कितने की बेची, लैंड एंड बिल्डिंग, आपका फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी कितने का बेचा है, तो मैं क्या मान के चलूंगा, रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और आपको ये मान के चलना है, रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। हाँ जी, मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू आ रही है उस पर ही बिक गया होगा, उस पर ही बिक गया होगा, हाँ ये आपको मान के चलना है, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे होंगे, राइट, तो जब आपने मान लो जो भी एडजस्टमेंट्स की मैंने वो सब कर ली, एक बार बैलेंस शीट को क्रॉस चेक कर लेना कि भाई बिल्डिंग क्या मैंने बेच दी, क्या क्वेश्चन में मेंशन था, अच्छा ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी क्या क्वेश्चन में मेंशन था, क्या वो बेची है, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग बेची है, तो अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो मान लेना CBSE ने आपके साथ खेल खेला है और आपको टेस्ट कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर कोई टैंजिबल एसेट की रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो वो बिका है। ऑल राइट सर, ये हमारा डिसोल्यूशन में चेंज था। ऑल राइट, उसके बाद आपका चेंज एक छोटा सा है, कहाँ पे, शेयर कैपिटल में, इशू ऑफ शेयर्स में, इशू ऑफ शेयर्स में, हाँ एक छोटा सा चेंज है, कुछ खास नहीं है, कि भाई जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते थे, क्या लिखते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, किसके रिगार्डिंग है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के रिगार्डिंग है, अच्छा ठीक है, है ना। जब भी आपको शेयर्स इशू आपने करे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे करे हैं, तो आप क्या करते थे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट करते थे। हाँ, बस इन्होंने क्या बोला है कि अब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है बस, ठीक है। क्यों है, क्या है, छोड़ो उसको, सिंपल सी बात है कि बस रिजर्व वर्ड आपको नहीं लिखना है। हाँ, है तो वही सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बस जब आपको जर्नल एंट्रीज करनी है तो वहां पे आपको बस सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना है और कुछ नहीं है। एक डिबेंचर्स में इंपॉर्टेंट चेंज है सर, किसमें चेंज है, डिबेंचर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। ऑल राइट, इशू ऑफ डिबेंचर्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, क्या चेंज है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है सर। वो चेंज है आपका राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, राइटिंग ऑफ लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें क्या चेंज है, आपको पता है कि जब भी आप अपने जर्नल एंट्रीज में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखते हो तो उनको आपको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब समझ गए ना, अकाउंट को क्लोज करना होता है। हाँ, तो पहले क्या होता था कि इनको राइट ऑफ करने के लिए आप कौन कौन से रिजर्व्स को यूज कर सकते थे, तो सबसे पहले था कि सर आप पहले भी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते थे, हाँ आप कैपिटल रिजर्व को भी यूज करते थे, अच्छा आप जनरल रिजर्व को भी यूज करते थे, तो हो सकता है किसी के पास पुरानी बुक हो तो कंफ्यूजन हो, और उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ PNL को भी यूज करते थे, विच मीन्स कि जब भी मुझे अपने डिस्काउंट को राइट ऑफ करना होता है, राइट ऑफ की एंट्री क्या होती है कि सर मुझे अपना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बंद करना है, अच्छा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्लोज करना है, ये इसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। हाँ, तो बात यह है कि किससे राइट ऑफ होगा, डेबिट में क्या आएगा, तो इन चारों में से पहले कुछ भी आ सकता था, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन इस बार CBSE ने आपको साफ साफ बोल दिया कि कैपिटल रिजर्व नहीं यूज करना है, जनरल रिजर्व यूज नहीं करना, विच मीन्स कि जब भी आप अपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कर रहे होगे तो बस दो ही चीजें आएंगी, और प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी मुझे किसको देनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, हाँ, और उसके बाद अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है देन स्टेटमेंट ऑफ PNL को, बस
कैपिटल इज अब क्वेश्चन में गिवन है इग्नोर मार देंगे, जनरल इज अब क्वेश्चन में गिवन है इग्नोर मार देंगे, बस यही दो अकाउंट आएंगे। हाँ जी सर, यही दो अकाउंट आएंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उससे राइट ऑफ करो, और अगर नहीं है देन आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएल तो है ही, उससे राइट ऑफ कर देंगे। हाँ जी, उससे राइट ऑफ कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये होगी हमारी सेकंड बुक। अब आते हैं थर्ड बुक में। अब दोस्त, थर्ड बुक में ना पहले चैप्टर में एक चेंज है जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस में नहीं अपडेट किया था, लेकिन अपने सैंपल पेपर में अपडेट किया है। और वो क्या था? वो चेंज आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, आ जाओ फटाफट से। किसमें चेंज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। जो पहला चैप्टर है आपका, हेडिंग सब हेडिंग, हाँ जी, उसमें चेंज क्या है सुनेंगे ध्यान से। सर, उसमें चेंज ये है कि एक टॉपिक होता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। एक अकाउंट होता है क्या? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इसका मतलब क्या है? मैंने क्लासेस में बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है कि सर, अगर आपने लेट्स से कोई डिबेंचर इशू करे हैं या कुछ भी आपने लॉन्ग टर्म डेट लिया है, हाँ राइट, पब्लिक डिपॉजिट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पांच साल के लिए, पांच साल के लिए, अच्छा ठीक है। अब पांच साल के लिए अगर वो लिए होते हैं आपने, तो वो आपका क्या होता है? आपको पता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसको कहां क्लासिफाई करते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। लेकिन दोस्त, मान लो चार साल आपके बीत चुके हैं, या ये सिंपल मान के चलो कि अब जो आपके लॉन्ग टर्म डेट थे वो आपको अगले 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल में पे करने हैं। किसमें पे करने हैं? अगले 12 महीने में या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में पे करने हैं। अब वो क्या बन जाती है? आपकी बन जाती है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सर, जो पेमेंट आपने अगले 12 महीने या फिर ऑपरेटिंग साइकिल में पे करने हैं। हाँ सर, हाँ, तो क्या इसको पे करना है? हाँ। तो जो लॉन्ग टर्म डेट थे, मतलब जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए उधार लिया था पैसा, अब उनकी करंट मैच्योरिटी आ गई है, विच मीन्स अगले 12 महीने में पेमेंट आ गई है। हाँ, तो भाई पिछले साल तक जो मैं भी करवाता हुआ आ रहा था, राइट, और बुक्स में भी वही था कि इसको हम क्लासिफाई करते थे अदर करंट लायबिलिटीज में। किसमें? अदर करंट लायबिलिटीज में। लेकिन इस बार सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में इसको कहाँ क्लासिफाई किया है सर? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। किसमें? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। तो दोस्त, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको अब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में ही करके आना। किसमें करके आना? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में। हो सकता है किसी के बुक्स में अभी भी OCL हो, हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जब सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर दिया है, हमें उसी को फॉलो करना होगा। तो अगर करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट का आपसे क्या पूछा जाएगा? हेडिंग और सब हेडिंग पूछी जाएगी। तो दोस्त, मेरी सब हेडिंग क्या लिख करानी है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, और आपकी जो मेन हेडिंग है वो क्या होगी? करंट लायबिलिटीज। बात समझ में आ गई? ये छोटा सा चेंज है, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैं आपको करवा चुका हूँ, उसमें कुछ खास चेंज नहीं है। अब आते हैं सर, चेंज किसमें है? आपके अकाउंटिंग रेशियोज में, है ना सर? किसमें है? अकाउंटिंग रेशियोज में, बिल्कुल। क्या चेंज है? वैसे ऐसा कुछ चेंज नहीं है, एडिशंस हैं। एडिशंस ये हैं कि आपके पास तीन नई रेशियो आई है सर, थ्री न्यू रेशियोज, हाँ। और ये न्यू रेशियोज मैं पहले एक सेपरेट वीडियो में आपको करवा चुका हूँ, है ना, उनको समझाया भी है मैंने प्रॉपरली और क्वेश्चंस भी करवाए हैं, राइट। कौन सी वो न्यू रेशियोज है मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, और मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में उस न्यू रेशियो वाली वीडियो का आपको लिंक भी दे दूंगा, ताकि आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लो और आपको उनका मीनिंग भी ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली न्यू रेशियो आई है, दैट इज डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ जी, सॉल्वेंसी रेशियो है, बिल्कुल। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी दिख रहा है कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? डेट, और डेट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डेट का मतलब होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज। डेट मतलब जो नॉन करंट वाली डेट है, राइट, नॉन करंट लाइबिलिटीज अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। मैं यहाँ पे अब दोबारा इसको एक्सप्लेन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस आपको इन्फॉर्म करना है कि क्या क्या चेंजेस हैं। इसके लिए अलग से वीडियो मैंने डाल रखी है, तो देख लेना, आई थिंक 20-25 मिनट की वीडियो ही होगी, हर रेशियो के क्वेश्चंस भी हैं और प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर रखा है। देन आपके पास क्या आई है सर? आपके पास आई है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। क्या आई है? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, हाँ जी। एक्टिविटी रेशियोज में आई है, बिल्कुल आई है, अच्छा ठीक है। तो टर्नओवर रेशियो में बेसिकली दो रेशियोज आई हैं, है ना, एक तो आपके क्या आ गई? फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, यस। और जो नेक्स्ट रेशियो आई है वो आपकी आई है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या आई है सर? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है, बहुत ही सिंपल रेशियोज है, कुछ खास नहीं है इनमें। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, हाँ, न्यू रेशियोज है तो मे बी शायद एक आधा क्वेश्चन आ जाए, तो ध्यान से देखेंगे। सर, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो वेरी वेरी आसान, कि भाई देखो आपने अपने फिक्स्ड एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो रेवेन्यू अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स, हाँ। और नेट एसेट्स, अपने नेट एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज किया है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। सर, नेट एसेट का मतलब क्या होता है बेटा? नेट एसेट कुछ नहीं है, दूसरा नाम है कैपिटल एम्प्लॉयड का। ओ,
है ना। नेट एसेट्स का मतलब क्या हो जाता है, आपके टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, और यही हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, बिल्कुल होता है, राइट। तो ये तीन नई रेशियोज आई है जो मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं और बहुत ही सिंपल है यार। रेशियो में आपको क्या चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए, मतलब कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अगर डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड है तो आपको डेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड की इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको पता है कि डेट में क्या आता है, एनसीएल, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं आपको ऑलरेडी पता है, और टर्नओवर तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है, तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको फॉर्मुलेस पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए बस, राइट। और वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, और बस यही आपके चेंजेस आए हैं। हाँ जी, आई गेस मोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो यही है। तो मैंने एक वीडियो में आपको सारा का सारा कंपाइलेशन प्रॉपरली करके दे दिया है, आई होप हमने कुछ मिस नहीं करा है, नहीं करा है, राइट, ठीक है, ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मे बी कुछ उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को शायद डिसोल्यूशन वाली एडजस्टमेंट नहीं पता या रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ नहीं पता है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनकी हेल्प करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और करनी भी चाहिए। वीडियो को लाइक कर सकते हो, और जैसे कि आपको पता है कि सेशन खत्म होने वाला है और सर हमने पूरी तैयारी कर ली है, मॉक टेस्ट नंबर 3 इसी वीक में हम कर लेंगे, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जो जो आपको ये एंड टाइम पे वीडियोस चाहिए, वीडियोस आपके पास कॉन्टिन्यूसली आती रहेंगी, आई गेस अभी एटलीस्ट एक वीक तक तो आती रहेंगी, फिर मुझे पता है आपको इंग्लिश के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, फिर जब आपके बीच में लंबा ब्रेक आ रहा है और जब अकाउंट्स का ब्रेक आएगा उसमें आपको कुछ धमाकेदार मिलने वाला है, ठीक है। तो तैयारी पूरी ढंग से करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय, टेक केयर।